है प्रेम सेवा मिशन के द्वारा पूरे एक वर्ष चलने वाला ये शिव अवतरण मैं समझता हूँ कि सेवा साधना संबोधि की 25 वर्ष की यात्रा हम लोगों ने किस प्रकार पूरी की और श्रद्धे आशीष भैया के नेतृत्व में एक छोटी सी कुटिया में जिस मिशन ने जन्म लिया था और आज उसका यह स्वरूप देख करके हम लोगों के मन में ये एक उक्ति चरितार्थ हो रही है कि जिस प्रकार एक बालक जन्म लेकर के अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करता है तो उसके परिवार में जिस प्रकार एक खुशी का माहौल होता है, ठीक उसी प्रकार दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक हर्षातिकोर है, एक हर्षा विभोर की स्थिति है। मैं अपनी ओर से और अप मिशन के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इस शिव अवतरण की इस आज प्रथम दिवस जो आयोजन हुआ है उसके प्रति और लगातार एक वर्ष तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए अपने पूरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं माँ गंगा के किनारे माँ गंगा के तट पर जो ये आयोजन हो रहा है, माता जिसके पार्श्व में माँ चंडी विराजमान है और जिसके सम्मुख माँ मनसा देवी की तपस्थली है, ऐसे दिव्य स्थान के ऊपर इतने भव्य आयोजन के लिए मैं अपने आध्यात्मिक, अपने सांस्कृतिक, अपने राजनीतिक, अपने मार्गदर्शक, अपने पथ प्रदर्शक और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष श्रद्धे आशीष भैया के श्री चरणों में नमन करता हूं और ईश्वर और माँ गंगा से यह कामना करता हूं कि हमारा जो ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है ये पूरे एक वर्ष अनवरत इसी प्रकार चलता रहे और जिस दिन इसकी पूर्णाहुति होगी यहाँ पर हम सबको एक भव्य शिवलिंग के दर्शन होंगे और वह शिवलिंग अपने आप में इतना पुनीत और इतना पवित्र होगा जिसमें भैया के रज कर्ण और उनके तप का की तपश्चर्या का बल होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक बार पुनः आप सबको महाशिवरात्रि के पर्व की और इस अभियान के शुभारंभ की शुभकामनाएं देता हूँ।